जनपद में शुक्रवार की रात आए भूकंप के झटकों से पूरा जनपद कांप उठा, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि रात में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र बिंदु नेपाल में था, जिसकी तीव्रता 5.6 मापा गया है। इसके बाद दूसरा भूकंप सुबह 4 बजे आया। उन्होंने कहा, रात में जो भूकंप आया था उससे नागरिक काफ़ी डर गए थे, क्योंकि लोगों ने पहली नींद ली थी और अचानक भूकंप आ गया, जिससे लोग काफ़ी डर गए थे। इसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग हिमालय के बहुत नज़दीक हैं, जिसकी वजह से भूकंप यहाँ पहले महसूस होता है। इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यदि भगदड़ की स्थिति होती है, इससे कई लोग घायल हो सकते हैं, इसलिए जब भूकंप आए तो आप घर के कोने में चले जाएँ और सर पर तकिया रख लें और लिफ्ट का प्रयोग ना करें। घरों में हैंगिंग गमले ना लगाएं, वह गिर सकता है, किसी को चोट पहुंचा सकता है। इस तरह से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और अफवाहों पर ध्यान ना दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए कल जो रात में भूकंप के झटके तकरीबन 11:25 पे इसके झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र बिंदु नेपाल में था और रेक्टर स्केल 5.6 पे उसका आकलन हुआ है कि उस पे था। और उसके बाद उसका जो एक आफ्टर शॉक था वो सुबह 4 बजे आया। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो ये भूकंप के जो कल झटके आए हैं, ये कोई बहुत मतलब लोगों में एक पैनिक सा माहौल इसलिए क्रिएट हो गया था, क्योंकि जस्ट उसके बाद खाना खाने के बाद लोगों ने उस पहली नींद में जा रहे थे, इसलिए इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ। लेकिन इससे कोई घबराने की बात नहीं है, और चूंकि ये पूरा रीजन जो है हमारा गोरखपुर का, ये हिमालयन बेल्ट पे बसा हुआ है पूरा यूपी का ये जो रीजन है, तो इसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार जो ये शॉक्स आ रहे हैं, इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अपने आप में एक धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर भगदड़ की स्थिति अगर क्रिएट करते हैं तो अगर भूकंप से बिल्डिंग ना भी गिरे, लेकिन आप चोटिल हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, आप प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी होता है कि जब भूकंप के दौरान आप अपने धैर्य बनाए रखें, और जब बिल्डिंग का जो कोना होता है वो सबसे अति महत्वपूर्ण होता है, उस दौरान उस कोने में आप चले जाएं, अपने सर पे कुछ जैसे कुशन या कोई तकिया वगैरह रख लें, ताकि कोई भी सामान अगर आपके सर पे गिरे तो आप उसे सुरक्षित रख सकें। लिफ्ट का कतई प्रयोग ना करें। हाई राइज बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे हैं, और स्टेयर्स पे भगदड़ ना मचाएं, क्योंकि उससे हो सकता है कि कोई किसी के ऊपर आप गिर सकते हैं, कोई चोटिल हो सकता है। जो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं उस पर बेसिक रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे लोगों ने अपने घरों में गमले, हैंगिंग गमले वगैरह लगा रखे हैं, तो उस तरह चीज़ों को ना लगाएं, क्योंकि वह गिर के किसी को चोटिल कर सकता है, किसी को प्रभावित कर सकता है। तो इस तरीके से अपने आप को सुरक्षित लिया जा सकता है, और अफवाहों पे कतई ध्यान न दें, क्योंकि ये बात सही है कि जब भूकंप आता है तो उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं, लेकिन वो आफ्टर शॉक्स धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं। इसलिए बहुत अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने आप को सुरक्षित रखें। सर, देखा जाए लोग भूकंप आया रात में घर से बाहर निकल गए, कुछ ये भी था कि भारत सरकार द्वारा अलर्ट मैसेज आता था। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मोबाइल बजा था अलार्म की तरह, लेकिन इसमें देखा जाए कि कोई अलार्म नहीं बजा। देखिए एक्चुअली वो जो अलार्म का जो मैसेज आ रहा था, अब उसमें था, वो ट्रायल बेसिस पे उस पूरे प्रोजेक्ट को भी रन किया जा रहा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा। तो अभी ये ट्रायल बेसिस पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इस पर अभी सारे नंबर्स को उसके इंटरलिंक किए जा रहे हैं, इसलिए उस पर ये मैसेज पे ये बहुत क्लियर कट था। और चूंकि भूकंप एक अनप्रिडिक्टेबल डिजास्टर है, कभी भी आ सकता है, तो इस पर भी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। होपफुली कि बहुत जल्द ही इस पर भी वर्क हो पाए कि हम इस पर एक अलर्ट जारी कर सकें। लेकिन बाकी जो और भी जो डिजास्टर्स हैं उसको लेकर के गवर्नमेंट के हमेशा अलर्ट्स आते रहे, चाहे वो दामिनी ऐप के माध्यम से आता रहा हो, चाहे सचित ऐप के माध्यम से आता रहा हो, क्योंकि वो सारे भी आते हैं। तो इस पर भी बहुत जल्दी इस पर भी गवर्नमेंट इस पर वर्कआउट कर रही है। सर, इसके बचाव के लिए क्या क्या उपाय हैं? देखिए बचाव के लिए जो बेहतर उपाय हैं कि आप अपने आप को, तो सबसे पहली बात है कि अपना धैर्य बनाए रखें, पैनिक ना हो, और आराम से अगर आप किसी का फर्स्ट फ्लोर पे हैं या सेकंड फ्लोर पे हैं तो आप आराम से अपने आप को बाहर एस्केप कर सकते हैं, आराम से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊंची मंजिल पर हैं, 5वें मंजिल पे हैं, 10वें माले पे हैं, तो उस दौरान आप कोशिश ये करें कि जो घर का कोना होता है उस घर के कोने पे चले जाएं, और लिफ्ट का प्रयोग करते ही ना करें। अपने सर को उस पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज रख करके नीचे उतरने का प्रयास करें, जिससे कि आपके सर पे अगर कोई सामान गिरे तो उससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें, और साथ में एक दूसरे का सहयोग करें, और एक
मतलब एक आपस में बॉन्डिंग जरूर बनाए के रखें जिससे कि उससे आप अपने आप को बचा सकें। तो आप एक किट बैग जरूर तैयार रखें जिससे कि उसमें आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो दवाइयां हैं, आपकी जो सामान, कुछ बिलोंगिंग्स हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ ये सारी चीज़ें वो सब रेडी रहें ताकि कल जो था लोग वैसे ही घरों से बाहर आए और कई लोगों ने तो चप्पल तक नहीं पहना था जिस तरह की सिचुएशन अराइज हुई थी। तो ये जो चीज़ें रहती हैं उससे आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। सर नाम और पद गौतम गुप्ता, जिला आपदा विशेषज्ञ गोरखपुर।